यह नजारा कहीं और का नहीं बल्कि चेंबूर के स्लम का है। यहाँ भी दबंग किस्म के लोगों ने गरीबों का जीना दुर्भर कर रखे हैं, जिसकी वजह से स्लम में रहने वाले अपना दुख दर्द बताए भी तो किसे, क्योंकि जब ये अपने पर हो रहे अत्याचार की शिकायत बीएमसी अधिकारी तक पहुंचाते हैं, तब अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंगती, उल्टे वो आते हैं दबंग की बात सुनकर बैरंग लौट जाते हैं। गरीबों के आशियाने और गरीबों के घर तक आने जाने के रास्ते तक दबंगों ने निगल लिए हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, आने जाने वाले गली पर ही अपना 3 मंजिला इमारत खड़ा कर दिए हैं। गरीब की इतनी शक्ति नहीं कि वह सरकारी अधिकारी तक चढ़ावा चढ़ा सके, इसलिए यहाँ के नागरिक दबंग के मल मूत्र नली में विसर्जित किए जाने और खुले नाले में बदबू सूंघकर बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। एक तरफ बीएमसी स्वच्छ मुंबई अभियान चलाए हुए है, पर स्वच्छता नाम का अभियान अब तक यहाँ नहीं पहुँचा है, क्योंकि स्वच्छता का वास्ता सिर्फ अमीरों के लिए चलाया जाता है। गरीबों की जिंदगी नाली के कीड़े मकोड़े की तरह होती है, और कीड़े मकोड़े मर भी जाए तो यह बात कोई मायने नहीं रखती, यूं प्रतीत होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मजाल क्या था कि कोई मलमूत्र नाली में बहा दे और उसकी बदबू दूसरा सुनता रहे। मीडिया के लिए गरीबों की तकलीफ वाली बात खबर नहीं बनती, क्योंकि इस खबर से कोई TRP नहीं बढ़ती, इसलिए मीडिया भी गरीबों के तकलीफ की कोई खबर नहीं बनाना चाहता। वही किसी नेता की बीवी का पर्स गुम हो जाए या कोई IAS अधिकारी का कुत्ता गुम हो जाए तो पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पर आ जाता है। वही दबंग की करतूत की कोई खबर भी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि यहाँ गरीबों से क्या हासिल किया जा सकता है। हमें जब इस बात की जानकारी लगी तब हम हकीकत जानने पहुँचे, तब हमें हकीकत का पता चला कि कैसे गली पर मकान का छज्जा निकालकर गरीबों के आने जाने वाले मार्ग को निगल लिया गया है, और माल कमाने के लिए अपने मकान पर ये अवैध टावर लगवा लिए। वैसे सवाल उठता है कि बैनर गिरने से बैनर की चपेट में कई लोग आकर दम तोड़ दिए, यहाँ भी अवैध टावर लगा दिया गया है, क्या गिरने और मरने तक का राह देख रहे हैं बीएमसी के अधिकारी? फिलहाल जब हम पहुंचे और पीड़ित लोगों से बात किए, तब लोगों को लगा शायद हम उनके लिए माध्यम बन जाए और उनकी बात बीएमसी अधिकारी तक पहुँच जाए। यही सोच इस चाल में रहने वाले लोगों ने खुलकर अपने दर्द बयां किए। सुने, छोटे से इधर बड़े हो गए। ओके, जब आप छोटे थे तो यहाँ की गलियाँ वाकई इतनी छोटी थी जिस तरह की अभी एकदम सक्रिय हो गई है? बड़ी थी। तो लोगों ने जिस तरह से अपने इमारत को गली के ऊपर खड़ा कर दिया है, तो क्या इस बात की किसी ने विरोध नहीं किया कि ये चीज जो है गलत है, हमारा आने जाने का रास्ता है? कहीं नहीं था, आते आते बोलते थे, कोई नहीं आता था। नहीं, पहले से विरोध करते आ रहे, म्यूनिसिपैलिटी में कंप्लेंट जा रही है सब लोग। अच्छा, हम लोग इन लोग के पास बहुत बार हम लोग इन लोग के पास प्रॉब्लम लेके गए, मगर इन लोग ने कुछ नहीं, इन लोग ने ये अपने जो डिपार्टमेंट इतने जो खड़े किए, जी जी जी, बहुत बोलते ना कि बहुत बोलते ना इसका रिस्क है, क्योंकि हम लोग का ये रास्ता था पहले। अच्छा, ये जो रास्ता हम लोग बॉर्न था, बॉर्न यहाँ से ही है, हम लोग का ये रास्ता था, ये रास्ते से आगे आपने देखा, ये रास्ते पे इनक्रोच कर दिया गया, आपने देखा रहेगा, तो ये रास्ते के आगे जो बस स्टॉप के पीछे की जो जगह है, जो कच्चर कुंडी की जगह है, इन लोग ने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, प्रॉपर्टी बना ली है, इसका हम लोग को इश्यू नहीं है, मगर जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है ये इन्होंने ले ली है, ठीक है, ये इश्यू है। और ये इन लोग का ये जो बिल्डिंग आप देखोगे, आप ये पीछे देखो, ये जो नीचे जो है, ये जो नीचे लीगल है अनलीगल है आई डोंट केयर, मगर मुझे इसका ये है कि ये जो इन लोग के जो टॉयलेट का लेटरिन का जो बाथरूम आता है, ये पूरा यहाँ पे एरिया, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे पूरा एरिया, ये नाली के जरिए बह जाता है, ये नहीं 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 ये एरिया की एंट्री है, जो एरिया में यहाँ से लेके वहाँ तक सब बच्चे खेलते हैं, ये खेलने का प्लेस है, और यहाँ से पूरा जो मतलब अभी तो फिलहाल सूखा दिख रहा है, ये काफी दिन ये जो पूरा लेटरिन का पानी पूरी गंदगी, और ये एक बात, ये एक रूट है, एक मिनट साइड, ये जो अभी ये जो रास्ता ब्लॉक हुआ ही है, और सेकंड एंट्रेंस ये है एग्जिट, तो यहाँ पे भी आप खुद देख सकते हो अभी, जी 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 जी, आप जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, जिस तरह से नाली है, ये आप देखिए, ये जयसवाल है, ये कौन है, ये मुझे नहीं पता है, मगर ये देखो ये लीगली है, जी जी जी, जिस तरह से रास्ते में ड्रम खड़ा कर दिया, यहाँ पे जा सकता है कोई? जी जी, कोई भी नहीं जा सकता, किधर से जाएंगे? हाँ, तो ये हम लोग, अच्छा, तो और नहीं, मुझे ये बताइए कि ये लोग, हाँ, वो यहाँ पे कुछ वो जो टावर है शायद, आई थिंक, जी जी जी, हाँ, ये अलाउ नहीं है यहाँ पे, जी यहाँ पे सब प्लेस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब यहाँ पे रहते हैं, जी, तो ये अनलीगल है, वो एक प्रॉब्लम है, और आप यहाँ पे देख सकते हो, और आप यहाँ पे मेंबर भी देख सकते हो, ये पूरा गंदगी
नीचे जाती है। अच्छा, गंदगी नीचे की तरफ चला जाता है। और बच्चे का खेलने का प्लेस है ये, और इधर बच्चे के लिए वट्टा बांधा है। जी 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 जी, इसके लिए वट्टा बांधा गया है। अच्छा, और ये देखिए ये प्लेस, यहाँ पे कैसे कोई रहेगा, कितनी गंदगी है। और म्युनिसिपैलिटी यहाँ पे कितने साफ करेगा और कितना निकालेगा। जी जी जी, तो अभी ये बताएं कि आप लोगों की किस तरह की मांग है, आप चाहते क्या है? मांगे यही है, ये जो गंदगी है हटा दे, ये जो प्लेस है ये ओपन कर ले, ये जो आपकी जो इमारतें हैं उसको आप देखो, टावर नहीं रहना चाहिए इधर। ये अगर इनकेस गिर भी गया तो इसकी इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जी, जी जी, आप महलों में रह रहे हो, पीछे वाले का डिसाइड करो। ये लोग कोई नहीं था जब भी हम लोग का, हमारे मम्मी पापा यहाँ पे है, ये कोई भी नहीं थी यहाँ पे। जी, और ये पीछे से आके अनली गली रह रहे, बस यही हम लोग को चाहिए, बाकी हम लोग को किससे कुछ रसन, जैसे हमारा पहले था वैसी प्लेस हमको अभी चाहिए। लीगली है, तकलीफ में बच्चे लोग, इतने लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, किसी को कोई बीमारी हो रही है, टावर के इतनी झोपड़पट्टी में लगता है क्या? हाँ, ये अच्छा। ये गली में सबसे पहले तो ये सब हटवा दो, वरना हम लोग इसको तोड़ के इसके अंदर सब सबका चौका कर देंगे। हम लोग खर्चा करके हम लोग कर देंगे, तो जिसका रहेगा तो वो तो आएगा ही ना। फिर हमारा नहीं बोलते, वो हमारा नहीं बोलते, सब रहना चाहिए। जो हमारा जो पहले से जैसे खाना हमको बस वैसे ही चाहिए, हमको किससे कुछ दुश्मनी नहीं, उससे कुछ नहीं। हम लोग आने जाने वाला रोड ये सब। अच्छा, आपका घर क्या हुआ? अभी ये पूरा क्लीन करा है मैंने। अच्छा, ये पूरा यहाँ पे आप 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते थे, इतना गंदगी। अभी मैंने 2-3 डेज पहले भी उनको बोला, पूरा यूरिन टॉयलेट इन लोग का यहाँ तक आता है, हम लोग चल नहीं सकते। दादागिरी का दादा चला है का, तो ये लोग लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं नहीं, हम लोग जब भी कंप्लेंट करते हैं ना, ये बोलेंगे हमारा नहीं है, वो बोलेगा हमारा नहीं है, वो बोलेगा हमारा नहीं है। जब इधर चौका भी है आप लोग हटा लो बस। नहीं नहीं, जब लोग बोलते टावर है उससे हार तो प्रॉब्लम होता है, उसका भी कम्प्लेंट डाला हुआ है, ऑलरेडी कुछ एक्शन नहीं है। नहीं, टावर का तो सबको ही प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरी बात आने जाने का सिंगल वन भी है, उसको भी पैकिंग कर दिया है, अभी वहाँ से एक बॉडी भी नहीं जाएगी। बॉडी तो छोड़ो, इंसान नहीं वहाँ पे जा सकता, यहाँ पे इंसान कैसे जाएगा? और यहाँ पे अगर बॉडी हो भी गई तो लोगों के घर इतने बड़े नहीं है कि घर में बॉडी होगी, ऑब्वियसली इंसान को यहाँ पे ही लाना पड़ेगा। और काफी सालों से पहले बॉडी यहाँ पे ही बन रही है, जी जी, हमारे एरिया की बॉडी यहाँ पे ही बन रही है, मगर यहाँ पे पूरे से चौकअप हो गया। अब ये नजारा देखे और सोचे कि बस स्टॉप पर सटाकर चाय की टपरी चला रहे हैं। बताया जाता है कि यह टपरी भी दबंग की है, जिनका नाम है दिनेश जायसवाल और सुनील जायसवाल उर्फ बच्चा। यह नजारा सम्राट अशोक नगर का है, जो अपोजिट नवजीवन सोसाइटी के ठीक सामने है। चेंबूर का यह नजारा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास यहाँ साफ दिख रहा है। सुनील जायसवाल उर्फ बच्चा का विकास हुआ है और उसके विकास का सजा अशोक नगर के लोग भोगने के मजबूर है। क्या बीएमसी अधिकारी ध्यान देंगे या इन गरीबों को पीड़ा देखकर प्रसन्न होते रहेंगे, यह सोच कि यह इंसान नहीं कीड़े मकोड़े हैं, इन पर ध्यान क्या देना। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द उसी खबर के साथ हाजिर होंगे।